हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज पूरी में हम लोग का लास्ट डे है। तो आज हम लोग पूरी में जितने भी बचा हुआ है सब प्लेस को आज घूमेंगे, जितने भी जगह है आज घूम के आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलो चलते हैं और आप लोग को बताते हैं वहाँ का पूरा वीडियो। तो फ्रेंड, आज के दिन की शुरुआत में हम लोग पहले सर्वप्रथम गए पंचमुखी श्री बजरंगबली जी का दर्शन करने, और उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर अपने श्री माता रामचंडी, जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने सेतु बंध के लिए यहाँ पे पूजा किया था चंडी पाठ। तो यहाँ पे 10 महाविद्या का भी मूर्ति बनाया गया है। तो काफ़ी प्यारा मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग को संगम, त्रिवेणी संगम भी देखने को मिल रहा है कोणार्क मंदिर पे। तो आप लोग को लेके चलते हैं कोणार्क मंदिर और दिखाते हैं यहाँ का पूरा वीडियो। तो फ्रेंड, यह है कोणार्क का एंट्री, यहाँ से ही एंट्री हो जाता है कोणार्क का। तो आगे जाके आप लोग को टिकट लेना पड़ेगा सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो आगे जाके हम लोग टिकट वगैरह लेंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं और आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और सूर्य मंदिर आपको आगे से यहाँ पर दिखता होगा। आगे जो है वो सूर्य मंदिर है यहाँ पर, जो सीधे दिख रहा है जो, और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मेंटेनेंस किया गया है यार। यहाँ पे पेड़ पौधे, वातावरण को देख के यहाँ पे शुद्धता का बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो अगल बगल गार्डन वगैरह बनाए गए हैं, तो फोटो वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है। तो कोणार्क आते हो तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी आप लोग खिंचवा सकते हो। यहाँ पे कैमरे मैन भी यहाँ पे हैं, कैमरा वाले, तो यहाँ पे आप लोग कैमरा में फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हो। तो ये है अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आप लोग को आगे ही नज़र आता होगा तो देख सकते हो। तो ये है अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। तो आगे आप लोग को लेके चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का पूरा वीडियो। तो आप लोग देख सक रहे होंगे गाइस, कितना पूरा भीड़ लगा हुआ है, बहुत लंबी लाइन है और बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये है अपना उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। दोनों होगा आदमी का मन में गौर आएगा, ईगो ईगो होने से आदमी डाउन होता। इसलिए सूर्या भगवान बोलते आप भैया मंदिर देखने के लिए अपना मन की घमंड है, इसको बाहर छोड़ के अंदर आइए। क्या बोला तूने? बोलते आप भैया मंदिर देखने के लिए अपना मन की घमंड है, इसको बाहर छोड़ के अंदर आइए। इसलिए कि पत्थर में तीन मूर्ति बनाया, ये दोनों मूर्ति सेम। चलो चलो मेरे को तो मजा भी बोल मैं और मम्मी लोग तो मतंग घूम रहे थे।
लंबा लाठी लगाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस इंटू थ्री थर्टी, 9:30 अभी टाइम देखिए, थोड़ा डिपेंड होगा 2-3 मिनट, इसलिए इसी को एंटी क्लॉक बोलते हैं, सूर्या घड़ी। जब तक सूर्य रुकेगा तब तक टाइम आलम होगा, सूर्या नहीं होगा तो पता नहीं होगा। 9:30 राइट टाइम है, राइट है तो बोल लिया वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग को कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जगन्नाथ।